अपनी धारदार गेंदबाजी से सबको लोहा मनवाने वाले बुमराह अब T20 के सबसे सफल T20 गेंदबाज भी बन चुके हैं। जी हां, चहल और अश्विन को पछाड़कर अब बुमराह सबसे नंबर वन बन चुके हैं। दरअसल तीसरे T20 मैच में श्रीलंका को 78 रन से हराकर टीम इंडिया ने 3 मैचों की सीरीज 2-0 से क्लीन स्वीप कर हासिल की। भारत ने दूसरा मैच 7 विकेट और पहला मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया था। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने 6 विकेट पर 202 रनों का लक्ष्य दिया और जिसके जवाब में श्रीलंका की टीम महज 123 रनों पर ऑल आउट हो गई। भारत ने श्रीलंका के खिलाफ 19 T20 मैचों में यह 13वीं जीत है। इस मैच में जसप्रीत बुमराह जैसे ही श्रीलंकाई टीम के सलामी बल्लेबाज दानुष्का गुणंथिलाका को वॉशिंगटन सुंदर के हाथों कैच आउट कराया, वैसे ही भारत के लिए बी T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले एकमात्र गेंदबाज बन गए बुमराह। इस मामले में जसप्रीत बुमराह के अनुभवी ऑफ स्पिनर रह चुके आर अश्विन और लेग स्पिनर यजुवेंद्र चहल को पीछे छोड़ चुके हैं। जसप्रीत बुमराह ने पहले आर अश्विन को और फिर चहल ने भारतीय टीम के लिए 52 विकेट हासिल किए, लेकिन अब बुमराह इस आंकड़े को पार कर लिया है और बुमराह ने के नाम अब 53 T20 इंटरनेशनल विकेट हो चुके हैं। आपको बता दें कि भारत से मिले 202 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा कर रहे हो श्रीलंकाई की टीम की शुरुआत बेहद खराब रही। 26 रनों के अंदर ही टीम के शीर्ष 4 बल्लेबाजों को खो दिया। इन बल्लेबाजों में टॉप ऑर्डर शामिल था जिसमें गुणंथिलाका, अविष्का फर्नांडो, कुशल परेरा, ओशिडा फर्नांडो शामिल है। इसके बाद 2018 के बाद श्रीलंका के लिए अपना पहला T20 मैच खेल रहे अनुभवी बल्लेबाज मैथ्यूज ने 31 और डिसिल्वा ने 57 रन जोड़े 68 रनों की साझेदारी की। श्रीलंका को संकट के बादल से निकालने की कोशिश की, लेकिन यह कोशिश नाकामयाब रही और टीम 123 रनों पर ऑल आउट हो गई।